देवा गुर्जर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा करते हुए कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि देवा आरपीपी में ठेकेदारों और सप्लायरों से वसूली करता था। इसी वसूली के चलते उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी। वहीं देवा का जमीन का भी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते बदमाशों ने देवा गुर्जर की हत्या की थी। एसपी शेखावत ने बताया कि देवा गुर्जर रावतभाटा थाने का हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। गौरतलब है कि देवा गुर्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर सहित 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ और खुलासे सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरपीपी राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट में वसूली आखिर किसके इशारे पर चल रही थी। क्या पुलिस खोल सकेगी वसूली की कहानी को? हम आपको बता दें कि बीते रविवार की शाम को रावतभाटा इलाके में 10-15 बदमाशों ने देवा को उस समय बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था, जब वह एक हेयर सैलून पर बैठा था। अचानक बदमाशों ने उस पर कुल्हाड़ी, सरियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के वार ने देवा के फेफड़ों और स्प्लीन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। देवा लड़खड़ाने लगा, लेकिन बदमाश उस पर हमला करते रहे और कुछ ही देर में देवा की सांसें उखड़ गए और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में देवा को कोटा के MBS अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।